जी, तो दोस्तों आओ कुछ काम करते हैं। कौन सा काम? कौन सा काम? नाटक करते हैं। नाटक? हाँ नाटक भी काम होता है। नहीं होता नाटक में कोई काम होता है? अरे क्यों नहीं होता काम, मैं नाटक को काम मानता हूँ। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम कौन से विषय पे नाटक करें? आग दान महादान। हाँ हाँ आग दान महादान। अरे इससे भी बड़े बड़े विषय है उस पर नाटक करते हैं, कोई और विषय बताओ। किडनी दान महादान। हाँ किडनी दान महादान। हे भगवान, कुछ भी, हम इससे भी बड़ी समस्या पर नाटक करेंगे, बहुत बड़ी समस्या। वो इतनी बड़ी बीमारी है कि आप सोच भी नहीं सकते। कैंसर। अरे कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी, और वो है करप्शन। करप्शन हमारे देश को खाए जा रही है, हमारे सांस में, हमारे खून में करप्शन बढ़ चुका है, पूरी तरह से मिक्स हो चुका है करप्शन। तो हम आज नाटक करते हैं करप्शन के ऊपर। नमस्कार, इस नाटक को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि इसका किसी भी चीज से कोई संबंध पाया जाता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। धन्यवाद। बेटा सोच रहा हूँ तेरी एडमिशन करा दूँ किसी कॉलेज में, लेकिन कॉलेज को बढ़िया मिल नहीं रहा, क्या करे है? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंडिया नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज। आइए आइए, आपका स्वागत है इंडिया के नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे वाह, नंबर वन कॉलेज। मैडम जी हमें क्या करना होगा एडमिशन के लिए? सर आपकी एडमिशन तो हो जाएगी, समझो। आप अपने नाम तो बताइए पहले। मेरा नाम है रामगोपाल वर्मा और मेरे बेटे का नाम है करण जौहर। अच्छा चलिए अब ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? हम फिल्में बनाते, मेरा मतलब है कि मेरी किराने की दुकान है सेक्टर 24 में। पापा वो दुकान आपकी थोड़ी ना, वहाँ पे तो आप काम करते हो। ओहो अपनी समझ के काम करता हूँ, देखो चुप। अच्छा मैडम ये कहता है एडमिशन हो जाए बस एक बार हमारे बच्चे की। सर आप उसकी चिंता मत कीजिए, एडमिशन तो आपकी समझो हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है? आप मेरे को ये बताइए कि आप कुछ चाय ठंडा लेंगे? ओ बस एडमिशन हो जाए बस, चाय ठंडा को छोड़िए। सर क्यों चिंता करते हैं, एडमिशन तो आपकी हो गई समझो। अरे एडमिशन हो गया मेरे बच्चे का, तो मैडम बस कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल, उससे पहले कुछ पिलाऊं मैं आपको? हाँ ठंडा आप पिला दो। सिंघानिया जी सर को ठंडा पिलाइए। अरे सिंघानिया जी बड़े तगड़े हैं। धन्यवाद सिंघानिया जी। थैंक यू। तो सर देखिए एडमिशन तो आपकी हो जाएगी समझो, पर एक समस्या है। वो समस्या क्या है जी? हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, देश में इसका इतना नाम है, सब हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी सीट तो फुल हो चुकी है। सीटें फुल हो गई है? अभी तो कहा था कि एडमिशन हो जाएगी। हाँ तो मैंने मना कर दिया एडमिशन नहीं होगी, एडमिशन तो हो जाएगी, पर समस्या है ना। वो समस्या क्या है? सीट फुल हो चुकी है। अरे कभी कह रही है एडमिशन हो जाएगी, कभी कह रही है कि एडमिशन नहीं हो पाएगी क्योंकि सीट फुल रहेगी, क्या समझ नहीं आ गई? सर इसका भी एक इलाज है मेरे पास। इलाज? आप डॉक्टर भी हो? ओहो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा मतलब है मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन बताओ जल्दी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डोनेशन। हैं? डोनेशन हो इधर आ, बताओ हमने क्या करनी है। डोनेशन है तो हमें डोनेशन नहीं चाहिए, बस आप एडमिशन करा दे हमारे लल्ला जी। ओहो सर आपको ना गलतफहमी बड़ी होती है, देखिए हमारा कॉलेज इतना बड़ा है, इतना नाम है इसका, तो हम आपको डोनेशन
डोनेशन नहीं देंगे बल्कि आप हमें देंगे। हाँ? बताओ फीस भी दो डोनेशन भी दो, समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। पापा 100-200 दे दीजिए ना डोनेशन के नाम पे। ये लो 100 रुपए। नहीं नहीं ये आप अपने पास ही रखिए, 100-200 से काम नहीं चलेगा, इससे तो ज्यादा ही लगेगा। हैं? इससे ज्यादा लगे और कितने लगे? पूरे 5 लाख। पापा क्या हो गया आपको? पापा पापा उठो, मैंने अपने पापा को क्या कर दिया? अरे अरे थोड़ा पापा उठो, शांति रखिए। शांति कौन है अब? मेरी काम वाली का नाम है। छोड़ो, पता नहीं क्या कर दिया अपने पापा को, अपने पर्सनल पैरों पे तो चलते आए थे। नहीं नहीं हम तो जैसे पापा उठो, प्लीज चलते हैं। पापा आप उठो प्लीज। पापा मेरे पास ना इसका भी एक इलाज है। अब इसका क्या इलाज है आपके पास? धीरज तो रखिए जरा, आप में ना भाई साहब पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। उठो पापा, क्या हो गया पापा? वर्मा जी, ओ वर्मा जी, राम गोपाल वर्मा जी, अरे सुनिए तो। उठिए पापा प्लीज। वर्मा जी आपके बेटे का एडमिशन हो गया। हाँ, मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। अरे वाह, पढ़ने लिखने तरक्की करना। हाँ जी पापा। अरे सर अभी से इतना खुश क्यों होते हो? एडमिशन हो गया समझो, पर डोनेशन के बाद। कैंसल, इतना कैंसल। अरे कब तक, कब तक ये डोनेशन के नाम पे करप्शन चलती रहेगी? स्कूल में एडमिशन चाहिए तो करप्शन, कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो करप्शन, नौकरी चाहिए तो करप्शन, यहाँ तक कि आदमी नौकरी के पैसे पूरे करते तो करप्शन। मैं तो कहता हूँ आदमी को पीजीआई से उसकी लाश निकालनी हो तो करप्शन। ये कितना करप्शन करोगे रे भाई? राजू बेटा इधर आना। मार दे मार दे। क्या कर रहे? इधर से आ रहा हूँ। गेम खेलने दो। मिली मिल गया। ये कौन सी गेम है? नहीं आएगी मम्मा। मैं खेलने जा रहा हूँ। कहाँ खेलने जा रहे? क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ। क्रिकेट खेलने इधर आ। अरे नहीं होगा तेरे को कुछ, मैं बोल रही हूँ ना। रिटायर तो हो गया, वो पेंशन के लिए कहाँ जाना होगा? हाँ पेंशन दफ्तर, मिनटों में पेंशन पाए। और भाई साहब पेंशन के लिए ऐसा मुझे क्या करना होगा? हमको नहीं पता, आगे जाइए आप। भाई साहब पेंशन के लिए ऐसा क्या करना होगा मेरे को? भाई साहब आगे जाइए आप। कमजोर भाई साहब मुझे पेंशन चाहिए, क्या करना होगा मुझे? सर मैं काम कर रहा हूँ, आगे जाइए। ओ आगे आगे, कितना आगे जाए भाई साहब? मेरे को पेंशन चाहिए, बताओ क्या फॉर्मेलिटीज हैं?
बोला तो भी आगे जाके पूछ लेना क्या मैं करूँ। ओ मैडम जी, हाँ जी, पेंशन चाहिए, रिटायर हो गया हूँ, मुझे क्या करना होगा? भाई साहब इतने काम होते हैं, आगे जाके पूछिए। बताओ कितने काम होते हैं, काम किसके लिए होते हैं? ओफो, कितनी कमीनी है वो, ऐसी बहू भगवान करे किसी को ना मिले। अच्छा, अरे टीवी देख रही हैं आप? तो आपको क्या लगा भाई साहब? मुझे लगा अच्छा मुझे पेंशन जी, मुझे क्या करना होगा? अरे भाई साहब अभी क्यों परेशान कर रहे हैं आप, बाद में आना, आगे जाओ। आगे जाऊं? हाँ भाई साहब, पेंशन के लिए आया हूँ। तो पेंशन चाहिए आपको? हाँ, पेंशन। आगे देखो, आगे ये तो मैं बाहर ही आ गया। भाई साहब कितने चक्कर लगवाओगे, पेंशन तो दे दो भाई साहब। फिर आगे आपको और कोई काम नहीं होता? आगे जाइए, कल आना। भाई साहब नमस्ते, वो बोला था कि कल आए तो आज आ गए। काम क्या है? पेंशन के लिए। अरे अभी बहुत काम है यार, परसों आना तुम। परसों बुलाया था, आ गया मैं। पेंशन दे दोगे आप? अगले महीने आना। अरे अगले महीने बुलाया, आ गए क्या करें? अरे चाचा बाबूजी बाहर गए हुए हैं। ओ बाबूजी कहाँ, थाईलैंड चले गए? बाबूजी कभी होते नहीं दफ्तर में। थाईलैंड गए समझ लो, थाईलैंड चले गए। मैडम जी बड़ा काम करते रहते हो। हाँ जी, घर का बहुत, अरे मेरा मतलब कि दफ्तर का बहुत काम होता है ना। तो हमारा भी काम कर दो, पेंशन दिलवा दो, बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा। अरे अगले साल आना। तो अगले साल आना, क्या हो गया? कितना अच्छा था उसका पति, उसको ये बात भी समझ नहीं आई कि उसकी बीवी ने उसके खाने में जहर मिलाया है। क्या? बहुत भोला था वो। अच्छा देखते रहो टीवी। भाई साहब कौन है? मैं पेंशन लेना चाहता हूँ। अरे फिर से आ गए आप, फिर से आऊंगा, पेंशन तो दे दो। अभी नहीं मिलता, अगले जन्म मिलेगा, जा अभी। भगवान अगले जन्म में। भाई साहब मैं थक गया, बल्कि और बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे को पेंशन दे दो। भाई साहब आपको पेंशन चाहिए, हमको टेंशन क्यों दे रहे हो, हमें बहुत काम होता है, आगे जाइए। भाई साहब ये पेंशन ही ऑफिस है ना। अरे भाई साहब रोज रोज आ जाते हो, आपको तो कोई काम है नहीं, हमें बहुत है, आगे जाइए आप। समझ नहीं आता ये हमें बहुत काम है, काम कौन सा होता है समझ नहीं आता, पेंशन ऑफिस से पेंशन दे नहीं रहे। भाई साहब आप आगे पता कीजिए। एक ही डायलॉग। अरे काम बताओ, काम क्या? पेंशन के लिए घूम रहा हूँ, चार साल हो गए, पेंशन दिलवा दीजिए भाई साहब। अरे बहुत काम है, आगे जाके पूछ लो ना। लग तो मेरे हट्टे करते रहे हो, है? तुम्हें क्या पेंशन की जरूरत है? बताओ, बंदा रिटायर हुआ जब कहा था कि पेंशन मिलेगी, हम किसी काम जो भी नहीं रहे, पेंशन नहीं दे रहे हो, हैं? अंडे की रेड़ी लगाने नहीं देते हो तुम लोग, करो मैं क्या करूँ? चलो आगे जाके पूछो। ओहो लगता है अब तो ये आदमी मर ही जाएगा। हाँ, मैं तो मर ही जाऊंगा, करूँ तो करूँ क्या? भाई साहब करवा दो कुछ। बाप रे बाप, फिर से आ गया ये बूढ़ा, चल निकल यहाँ से। बाबा पेंशन चाहिए? तो थोड़ा वजन डालना पड़ेगा बेटा, आप तो जान रहे नहीं शरीर में वजन क्या डालें। अरे थोड़े हाथ गर्म करने पड़ेंगे। हाँ सर्दी आ रही, गर्म कर लो अपने हाथ, हम क्या करें। अरे बाबा रिश्वत देनी पड़ेगी, रिश्वत। खबरदार जो रिश्वत की बात की, रिश्वत देनी होती तो मैं पहले दिन देता, समझ गया? मैं हूँ ईमानदार आदमी, ना मैं कभी रिश्वत दूंगा, रिश्वत दूंगा ही नहीं बस। ओ भाई साहब माल कब तक बेचोगे? इधर दिवाली पे सारा माल खत्म हो गया। हाँ जी ये है कमाल बिजनेसमैन। ओ भाई साहब क्या टैक्स टैक्स की बातें करते रहते हो, हैं? अगर नाके पे पकड़ा है तो मेरी बात करा दो, दे देंगे तो फिर टैक्स टैक्स, हम टैक्स दें कि पैसा बचाए, बिजनेस करें कि टैक्स देने के लिए बात करते हैं। हाँ जी एक तो यहाँ पे सड़क बड़ा ऊपर खबर है, कहीं भी गाड़ी फंस जाती है मेरी, है? क्या हमने टैक्स पे किया? आवाज कहाँ से आ रही है ये? पब्लिक बाथरूम कहाँ है, पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलता एक तो। क्या हमने टैक्स पे किया? क्या आपने टैक्स दिया? एक तो सरकार कुछ भी नहीं करती है, कोई भी पब्लिक सुविधाएं नहीं है। हाँ क्या आपने टैक्स पे किया? बाप रे आवाज कहाँ से आ रही है, भागो।
मैं बन गया हूँ देश का एक सच्चा नागरिक और पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा करूंगा। ना तो इस रिश्वत के कल्चर को खत्म ही कर दूंगा, ना ही रिश्वत लूंगा और ना ही किसी को लेने दूंगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है और देश को आगे बढ़ाना है। आगे कदम बढ़ाए जा, भ्रष्टाचार मिटाए जा, देश को बचाए जा। पूरे देश में बचाओ टंका, भ्रष्टाचार की जगह लंका। ना पैसा ले ना पैसा दे, भ्रष्टाचार बंद करना है, अपना योगदान दे। भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। जब ईमानदार देशों की बात करते हैं तो हमारा नाम 78वें नंबर पर आता है। जी हाँ, 78 पोजीशन। आप में से कुछ लोगों को शायद ये आंकड़े मालूम ना हो, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। किसी का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो किसी को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। मैं आप में से किसी से भी पूछूं तो सब कहेंगे इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है। पर क्या वाकई में ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? हम सब के हाथ बिल्कुल साफ हैं। हमारा ये नाटक देखने के बाद भी अगर आप मेरे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते तो घर जाकर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल दोस्तों, ये था चंडीगढ़ थिएटर की तरफ से चंडीगढ़ थिएटर एक्टिंग स्टूडेंट्स का नाटक। आप खुद सोचिए, आप वैसे पुल पर जाना चाहेंगे जिसको एक करप्ट आदमी ने बनाया हो, या उस पर जिसने पढ़ाई से डिग्री करके उस पुल को बनाया हो? तो दोस्तों, हम करप्शन को खत्म करेंगे ये प्रतिज्ञा करते हैं। चंडीगढ़ थिएटर के कलाकारों ने पेश किया नाटक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।